खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया, डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ग्लोबल वार्मिंग पर मोदी आज देंगे मंत्र, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे पेरिस, अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिए राजनीति से संन्यास लेने के संकेत, कहा 60 साल का होने पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लोकसभा में आज गूंजेगा असहिष्णुता का मुद्दा, सरकार और विपक्ष ने तय की रणनीति, हंगामा होने के आसार। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगा आपका लोकपाल बिल, बिल पर प्रशांत भूषण ने उठाए सवाल, सदन के बाहर प्रदर्शन का किया ऐलान। आजम खान का विवादित बयान, संघ नेताओं को बताया समलैंगिक, बीजेपी नेताओं ने की निंदा। सोलहवीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र आज से, विधानसभा में दिखेंगे 99 नए चेहरे, आरएलएसपी विधायक वसंत कुशवाहा का निधन। आईएसआई जासूसी रैकेट का अंडाफोड़, बीएसएफ जवान सहित दो एजेंट गिरफ्तार, खुफिया दस्तावेज भी बरामद, कोलकाता से भी 3 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के शनि सिंगणापुर में शनि मंदिर में एक महिला श्रद्धालु के प्रवेश करने को लेकर मचा बवाल, शनि मंदिर में शनि देव की शिला पर महिलाओं को तेल चढ़ाने की मनाही। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो 25 दिन की सौगात, 25 दिन शुक्र दे रहे हैं आप सबको उपहार, वो भी प्यार का, और एक प्यारा सा लकी अक्षर भी आज के दिन का आपके लिए तैयार है। तो नोट कीजिए अपनी अपनी राशि के अनुसार लकी अक्षर और उठाइए इससे लाभ। बात करेंगे आपके लकी अक्षर की, नोट कीजिए राशि के हिसाब से आपके अक्षर हैं। बात करते हैं मेष राशि की, मेष राशि वालों के लिए ल अक्षर और वृषभ राशि वालों के लिए ज अक्षर। मिथुन राशि वाले लोग अपने पास रखेंगे य अक्षर और कर्क राशि वाले लोग त अक्षर। सिंह राशि वाले लोग ट अक्षर और कन्या राशि वाले लोग ज अक्षर। तुला राशि की बात करें ब अक्षर और वृश्चिक राशि वाले लोग अपने पास रखेंगे ग अक्षर। धनु राशि ह अक्षर और मकर राशि वालों के लिए ड। कुंभ राशि की बात करें तो आपके लिए भ अक्षर और मीन राशि वालों के लिए न। ये आपका लकी अक्षर है, इसको आप संभाल के रखें, सुरक्षित आप रहेंगे, प्रगतिशील रहेंगे और 24 घंटे बाद इसको जिस कागज पे भी लिखे उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दें।
जी हाँ, और लखीमपुर से हमारे साथ सुनीता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। ये मुझे अपने बारे में पूछना है मुझे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/3/79 जी। टाइमिंग है सुबह 8 से 8:30 के बीच में, मॉर्निंग में जी। प्लेस ऑफ बर्थ और जन्म स्थान है बरेली। बरेली जी। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरे योग में सरकारी नौकरी है या नहीं, और मेरी कुंडली में कोई ऐसा दोष है जिसका कोई उपाय बताइए, और कब तक इसका निवारण होगा, और घर का योग कब तक है जी। मीन लगन की कुंडली बनती है, कर्क राशि बनती है, सूर्य की महादशा चल रही है, और सूर्य की जो स्थिति है वो केतु से ग्रसित है, और राहु की दृष्टि भी है सूर्य पर। लेकिन कुछ यहाँ पे अगर आपकी कुंडली की बात करें तो स्वास्थ्य को लेके आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालते हैं। और साथ ही साथ रही बात घर की, तो देखिए सूर्य की महादशा चल रही है, फरवरी 2016 के बाद एक अच्छा समय, सूर्य में शुक्र आ जाएंगे तो ये अच्छा समय आपके लिए होगा, और इसमें संभावित है कि जो आपके मकान के लिए आगे काम बढ़े, इसके लिए आपको हम उपाय बता रहे हैं, ये जरूर कीजिए। आप इस कुंडली के हिसाब से एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में जरूर धारण करें, और साथ ही साथ आप प्रत्येक मंगलवार के दिन, क्योंकि यहाँ पे मंगल का उपाय करना है, प्रत्येक मंगलवार के दिन आप गुड़ का दान देना शुरू कीजिए, छोटे छोटे बच्चों में मिठाई बांटना शुरू कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, लाभ होगा जी हाँ। और चलिए अब आपको सबको चौथी जानकारी देते हैं हम। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि शुक्र जो है अपने ही घर में प्रवेश कर चुके हैं, तुला राशि में है, और ऐसे में 25 दिन आप सबके लिए बहुत ही शुभकारी है, प्यार ही प्यार बरसेगा। और जैसे कि अब जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ रूठना मनाना तो लगा ही रहता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जीवन साथी आपसे कई दिनों से रूठा हुआ है और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे में एक उपाय कीजिए, यकीन मानिए इसे अपनाने से तनाव भी दूर होगा और आपके बीच का जो रूठना बनाना है वो भी खत्म होगा और प्यार बढ़ेगा। बात करेंगे उस बात की कि अगर आपका साथी, प्यार, जीवन साथी रूठ जाए तो समझिए कि ये सबसे कठिन टाइम होता है, कठिन समय होता है, क्योंकि कहा गया है कि रूठे हुए प्यार को जितना जल्दी मना लें उतना अच्छा है। आपके लिए उपाय बता रहे हैं, शुक्र इसमें मददगार साबित होंगे आपके लिए। करना क्या है कि अगर आपका जीवन साथी, आपका प्यार आपसे रूठ गया है, तो ऐसी स्थिति में आप एक लाल फूल का, चाहे वो गुलाबी क्यों ना हो, एक लाल फूल का गुलदस्ता लें और एक चांदी का छल्ला आप किसी भी किन्नर को दे दें। गुलाब का फूल, गुलदस्ता और चांदी का छल्ला किन्नर को देना है, और छोटे बच्चों में कुछ मिठाई बांटें, जरूर लाभ होगा। शुक्र की प्रबलता और प्रसन्नता आपको मिलेगी और आपका प्यार आपके साथ होगा और रूठापन खत्म हो जाएगा जी हाँ। गुवाहाटी से पुष्पा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हाँ नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। राधे राधे पंडित जी। नमस्कार जी। मुझे अपनी ननंद के बारे में पूछना है जी। जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 1900। टाइम शाम 5 बजे। सर एक बार फिर से बताएं आप। 24 अक्टूबर 1981। इक्यासी। समय बताएं। समय 5 बजे शाम को, प्लेस ग्वालियर। जी जी। क्या सवाल है आपका? इनकी मतलब ना अभी तक शादी नहीं हुई है, और जो भी लड़का इसके जो जाते हैं मतलब बात जवाब ही नहीं देते हैं जी। तो इनकी शादी होगी या नहीं, और किस दिशा से होगी, कब तक होगी? जरूर देखिए, मीन लगन की कुंडली है, सिंह राशि बनती है, और सप्तम भाव में बुध, बृहस्पति और शनि का योग है, राहु की महादशा चल रही है। शादी की बात करें तो देखिए शादी तो होगी, होके ही रहेगी, लेकिन थोड़ा विलंब है। विलंब इसमें यह है कि जनवरी 23 जनवरी 2017 से 16 में भी संभावना नहीं दिख रही है, 23 जनवरी 2017 से उपयुक्त समय शुरू हो रहा है। इनके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। इनको करना क्या है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और उनको तुलसी माला समर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और घर में
कात्यायनी यंत्र भोजपत्र पर बनवा के स्थापित करें, माँ कात्यायनी का ध्यान करें, शादी होगी, जरूर होगी। जी हाँ। और चलिए अब आपको सबको बताते हैं कि प्यार में कभी बदनामी का सामना आपको ना करना पड़े और जिससे प्यार करते हैं उससे कभी भी आपको धोखा ना मिले, इसके लिए आप क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। सब कुछ सही है, प्यार सही है, तकरार सही है, लेकिन बदनामी ये सही नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, क्योंकि शुक्र कई बार बदनाम भी कर देते हैं, अगर ज्यादा उठापटक हुई तो शुक्र छोड़ते नहीं है प्यार में। तो ऐसी स्थिति में कि बदनाम ना हो, धोखा ना मिले, इसके लिए आप क्या करें कि एक सूखा नारियल लीजिए और उसमें घी भर दीजिए, ऊपर से काट के घी भर दीजिए और बादाम के भी कुछ दाने उसमें डाल दीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे या आम के पेड़ के नीचे उसको दबा दीजिए। कभी कोई बदनाम नहीं करेगा आपके सच्चे प्यार को और ना ही आप बदनाम होंगे। जी हाँ। और चलिए अब बारी आ गई है आज के दिन के आपके राशि फल को जानने की, तो हम शुरुआत करेंगे पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातक, जान लीजिए अपना आज के दिन का हाल यानी कि राशि फल। बात करेंगे हम राशि फल की, तो आज मेष राशि वालों के लिए जो सबसे उपयुक्त समय राशि रहेगी, घर में खुशी का माहौल रहेगा, मांगलिक कार्य आपके संपन्न होंगे और साथ ही साथ पीला रंग शुभता लिए हुए हैं, 66% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। वृषभ राशि की बात करते हैं, धार्मिक कार्य आपके संपन्न होंगे, अपनों का सहयोग मिलेगा, नारंगी रंग अपनाएं, 61% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। मिथुन राशि की बात करते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, विवादों में उलझ सकते हैं, लाल रंग अपनाएं और 54% के साथ भाग्य साथ दे रहा है। कर्क राशि की बात करते हैं, शिक्षा में सफलता का योग बना हुआ है, भाग्य में उन्नति होगी, सफेद रंग अपनाएं, 66% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। सिंह राशि की बात करें, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है आपके लिए, अपनों से सहयोग मिलेगा प्रत्येक क्षेत्र में, हरा रंग शुभता लिए हुए है, 69% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। कन्या राशि की बात करते हैं, कन्या राशि वालों के लिए दिन मनोरंजन से भरपूर होगा, यात्रा का योग बना हुआ है, नीला रंग शुभता लिए हुए है, 57% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ। तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को भी उनका राशि फल बताएंगे आगे, और किचन पिटारा भी खुलने वाला है, लेकिन आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे कि क्यों आप अपने घर का ध्यान नहीं रखते हैं, क्यों आपका सारा सामान जो है वो अस्त व्यस्त रहता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके जो ग्रह हैं आपको कष्ट दे सकते हैं। तो क्या जानकारी होगी आज दोपहर हम आपको देंगे, फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब बारी आ गई है आज की कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम को बताने की। आज सोमवार कोई एक विजेता बन चुके हैं और उनका नाम है अंशिका मुरादाबाद से। और लेकिन आपको बता दें कि हमने पिछले सप्ताह आपसे सवाल क्या पूछा था, हमारा सवाल था आपसे कि अमावस्या कब होती है, जिसका सही जवाब है
सूर्य चंद्र साथ हो। और जिन्होंने जवाब दिया है वो अंशिका है मुरादाबाद से, और इस वक्त फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है अंशिका जी आपका शो में, बधाई आपको, आज की आप विजेता बन चुकी हैं। आपकी कुंडली हमारे पास है, बताएं क्या जानना चाहती हैं आप। थैंक यू मैम। आचार्य जी नमस्ते। नमस्कार। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी मैं मैंने बीटेक किया है और एमबीए कर रही हूँ। जॉब कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में? और शादी कब होगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? जरूर बताएंगे। वृश्चिक लगन की कुंडली है, मेष राशि बनती है, चंद्रमा की महादशा, सूर्य की अंतरदशा। रही बात पहले जॉब की, बात करते हैं तो जॉब आपकी जो सबसे उपयुक्त समय आ रहा है वो अगस्त 2016 के बाद समय आपका बहुत सही है जॉब के लिए। और साथ ही साथ मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, तो देखिए टेक्निकल बैकग्राउंड होते हुए मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आप एडमिन से रिलेटेड आपका प्रोफाइल आगे रहेगा। और शादी की बात करते हैं तो शादी के लिए जो अभी समय आ रहा है थोड़ा सा विलंब तो है, लेकिन 2019 से आपका समय बहुत उपयुक्त है शादी के लिए। इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, उपाय ऐसा बता रहे हैं कि जॉब भी अच्छी लगेगी, शादी भी अच्छी हो, आप स्वस्थ रहें। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप मोती जरूर धारण कीजिए, कम से कम 7.25 रत्ती का मोती चांदी में धारण करें। और साथ ही साथ आप रोजाना ना हो पाए सोमवार के दिन भगवान शिव पर जल समर्पित किया करें, भगवान शिव के मंत्र का जाप किया करें, और 5 मुखी एक रुद्राक्ष भी धारण कर सकती हैं, बहुत लाभ होगा। जी हाँ, तो अंशिका जी एक बार फिर से बधाई आपको विजेता बनने के लिए, और ये जो आपकी कुंडली है बहुत ही जल्द आप तक पहुंचा दी जाएगी। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, जीतना चाहते हैं ऐसी ही कुंडली, तो इसके लिए आपको देना है सवाल का सही जवाब। सवाल इस सप्ताह का जो है हम आपको बता रहे हैं, इनमें से शुक्र संबंधी धातु कौन सी है, ये सवाल है। ऑप्शन सामने है चांदी, बी सोना, सी तांबा। जो भी सही जवाब लगता है उसे आप हमें मेल कर दीजिए कल ATM@liveindia.tv पर अपने 2 फोन नंबर और अपना एड्रेस साथ में लिखकर आप जरूर भेजिएगा। और चलिए अब बारी आ गई है किचन पिटारे की, तो आज इस पिटारे में क्या खास है आपके किचन से जुड़ी हुई सामग्री, आइए आपको दिखाते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। हाँ, तो अब आइए आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी वो चीज है जो आपके घर में नई नवेली दुल्हन जो आई हुई है उनके साथ आपके संबंध, उनके साथ जो उनके आपके तालमेल है वो हमेशा अच्छे बने रहे, इसके लिए क्या है उपचार और कौन सी है इसमें वो चीज जो आपके किचन से जुड़ी हुई है, आइए दिखाते हैं। जी हाँ, आपके घर की नई नवेली दुल्हन घर में तालमेल बना के रखे, सबके साथ खुशनुमा माहौल रहे, उसके लिए किचन पिटारे में किचन से कौन सा मेहमान आया है, हमारे पास है फूल, लेकिन केले का फूल, बनाना फ्लावर। और केले के फूल का पहले गुण बता दें आपको, ये गुणों से इतना भरपूर है कि विटामिन ए सी और ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, फाइबर पोटासियम इसमें पाया जाता है, आयरन तो होता ही है, और हार्ट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए रामबाण है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो उनके लिए भी रामबाण का इलाज करता है, कंट्रोल करता है आपका शुगर। और अब बात करेंगे कि इस केले के फूल को कैसे प्रयोग में ले आएं कि नई दुल्हन एकदम तालमेल बना के चले। करना क्या है कि इस केले के फूल पे नई दुल्हन के हाथों से हल्दी का तिलक करवाएं और अपने घर के उत्तर दिशा में इसको रख दें। घर में हमेशा खुशनुमा माहौल बना रहेगा, सबके साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा, और ये केले का फूल आप लोगों को हमेशा ऊर्जावान रखेगा। जी हाँ, तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को उनका राशिफल बताने वाले हैं, लेकिन चंडीगढ़ से हेमा जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार जी।
हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। उनका है 21/12/1971। जी। समय? समय शाम के 6 बजे चंडीगढ़ में। जी जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी पंडित, ये है कि इनका आने वाला समय जो साल है वो कैसा रहेगा, और ये थोड़ी टेंशन में भी रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, ये कब तक ऐसा करेंगे? जी देखिए, आपकी कुंडली हमारे सामने है, वृषभ लगन की कुंडली है, मकर राशि बनती है, राहु की महादशा चल रही है, और राहु की महादशा में हम आपको यही कहेंगे कि अपने आप पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु की महादशा में बड़ी सारी बातें होती हैं, ऊंच नीच भी बातें होती हैं, उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इसके लिए नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आने वाला वर्ष इनके लिए बहुत ही सही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, संघर्ष की मात्रा ज्यादा रहेगी, लेकिन सफलता भी देगा, वर्ष जाते जाते सफलता दे जाएगा। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है कि पहले तो इनको पन्ना धारण करवाएं और निरंतर इनसे माँ भगवती की स्तुति करवाएं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करवाएं, इनसे बहुत लाभ होगा, सफलता मिलेगी। जी हाँ, वक्त हो गया है ब्रेक का, और आज दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे, अगर अपने घर का आप ध्यान नहीं रखते हैं, अस्त व्यस्त रहता है आपका सारा सामान, तो ऐसे में हो जाएं सावधान, बहुत ही अहम जानकारी दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रंग है, रंग है, रंग है, सौ तरह के रंग है, कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत, मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल, एमपी में आकर हर कोई मलंग है, महाकाल की पूजा, कृष्ण न कोई दूजा, एमपी में आई हर रूह मलंग है। हमारी इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं, सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। Videocon D2H for Indian values. खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, तो चलिए अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों का आज का राशिफल। बात करेंगे तुला राशि की, नए वाहन का योग बना हुआ है, कार्य में परिवर्तन की संभावना, सफेद रंग शुभता लिए हुए है और 60% के साथ भाग्य साथ दे रहा है। वृश्चिक राशि की बात करें तो माता का सहयोग मिलेगा, धन में वृद्धि का योग है, लाल रंग अपनाएं, 52% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहे हैं। धनु राशि की बात करते हैं, विवादों से बचेंगे आप,
धनु राशि वाले लोग विवादों से बचेंगे, उलझ सकते हैं विवादों में, अपनों का साथ मिलेगा। केसरिया रंग अपनाए 57% के साथ भाग्य साथ दे रहा है। मकर राशि वाले लोग यात्रा आज नहीं करेंगे, शिक्षा में सफलता का योग है। हरा रंग सुप्त लिए हुए है, 69% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। कुंभ राशि, सेहत आपकी परेशान कर सकती है आपको, खान पान में नियंत्रण रखें। काला रंग सुप्त लिए हुए है, 59% के साथ भाग्य साथ दे रहा है। मीन राशि की बात करें, धन में वृद्धि होगा, मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे आपके। पीला रंग सुप्त लिए हुए है और 60% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहे हैं। सुरेश जुड़े हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पंडित जी। प्रणाम। प्रणाम सर जी, मेरे को मैं मतलब मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 23/8/75 है सर। 23/8/75 समय? समय मैम शाम को 6:30 से 7 के बीच करीब करीब 6:55 का वैसे मतलब मेंशन किया हुआ है जी। और स्थान? स्थान उत्तराखंड। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है मैम कि मैं काफी समय से बहुत परेशान हूँ। 2008 से मेरे को दिक्कतें आ रही हैं। 2003 में जी। आपकी आवाज कट रही है लेकिन जितना समझ आया उसके हाँ उस बिहार पे आपको बताते हैं। कुंभ लगन और कुंभ राशि बनती है, बुध की महादशा राहु की अंतरदशा चल रही है। और रही बात कि आपके कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य है, तो क्या होगा कि घर परिवार में भी बड़ी अड़चने आएंगी, तो इसके लिए आप उपाय कीजिए। सूर्य को उपाय करेंगे यहाँ पे, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए और साथ ही साथ आप क्या करें कि जो गुरु तुल्य व्यक्ति हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं, उनको सम्मान दीजिए और मौके मौके पर कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप जैसे धार्मिक पुस्तक भी हो गई उनको दीजिए। इससे क्या होगा कि बड़ों का आशीर्वाद, गुरु तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लेना, सूर्य मजबूत होंगे और कलह से मुक्ति मिलेगी, सफलता साथ देगी। जी हाँ। और अब जाने से पहले आप सबको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। शो में भी आज के लिए बस इतना ही, और आचार्य जी आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे कि नाक और कान छिदवाना क्यों जरूरी होता है, बहुत ही अहम जानकारी कल सुबह मिलने वाली है आपको। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर, दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा।
अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट कभी भी कहीं भी।